तेजस्वी ने कहा कि बरकट्ठा विधानसभा में बीजेपी ने परोक्ष रूप से 3 उम्मीदवार उतारे हैं, इनसे सावधान रहना है। वो जयनगर के पिपचो चौक स्थित मैदान में महागठबंधन के प्रत्याशी खालिद खलील के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में बीजेपी का मुकाबला महागठबंधन से, तीसरा कोई बीच में नहीं है। जो भी तीसरा नजर आ रहा है वो परोक्ष रूप से बीजेपी का ही एजेंट है और चुनाव के बाद उनसे जाकर मिल जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि आज महागठबंधन के लोग ही हैं जो बीजेपी से कभी हाथ नहीं मिलाए हैं। आज यदि लालू जी हमारे पलटू चाचा की तरह बीजेपी से हाथ मिला लिए होते तो सबसे बड़ा हरिश्चंद्र होते। आज हरियाणा में घोटाला जी जेल से बाहर आ जाते हैं लेकिन लालू जी को बेल नहीं मिलती। महाराष्ट्र में फडणवीस साहब जिस अजीत पवार को पूरे चुनाव भर जेल भिजवाने की बात कह रहे थे, उन्हें कमल छाप साबुन से धुलाकर उप मुख्यमंत्री बनाने में तनिक भी देर नहीं की। उन्होंने ये भी कहा कि रघुवर दास को झारखंड की जनता से कोई दर्द नहीं है क्योंकि वो झारखंड के हैं ही नहीं। छत्तीसगढ़ वाले मुख्यमंत्री को हटाकर झारखंड की माटी के नेता हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग महागठबंधन को बनाए हैं। वहीं उन्होंने एक बार फिर बीजेपी प्रत्याशी जानकी यादव का नाम लिए बगैर कहा कि ये तो पहले हमारे ही थे, लेकिन जो व्यक्ति लालू जी का नहीं हुआ वो क्षेत्र की जनता का क्या होगा। ऐसे लोग पिछड़ों के नाम पर वोट लेकर उनका आरक्षण समाप्त करने वाली पार्टी बीजेपी के साथ जाकर मिल गए। सभा को संबोधित करते हुए आरजेडी प्रत्याशी खालिद खलील ने झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए वोट की अपील की। मौके पर बिहार के कई विधायक, सांसद और पूर्व मंत्री उपस्थित थे। यानी कि अब झारखंड का घमासान पूरे तरीके से यहां पर अपने चरम पर है। आज 20 सीटों पर मतदान है जिसमें करीब 40% से ज्यादा की वोटिंग हो चुकी है। एलडी न्यूज रूम से वीरेंद्र सिंह नेगी की रिपोर्ट।